देखो, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं माय होम विद किचन। तो आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दो कप शुगर, टू टीस्पून मैदा, दो अदद इलायची, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ कप कंडेंस मिल्क, वन कप वाटर, वन कप मिल्क पाउडर, टू कप ऑयल, मीडियम फ्लेम पे हम एक पतीली को रखेंगे। हम डाल देंगे चीनी, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी और चीनी को मिक्स करेंगे। अब दूसरे चूल्हे पे हम फ्राई पैन रखेंगे। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। अच्छी तरह हिलाएंगे। दूध हमारा नीम गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे बटर। अब हम चलते हैं शीरे की तरफ, जब तक हमारा मेल्ट हो जाएगा। देखिए शीरा हमारा गाढ़ा हो रहा है, लेकिन हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बटर हमारी मेल्ट हो गई है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्टॉप कर दूँ? बटर और मिल्क हमारा मिक्स हो गया, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अगर हम ज़्यादा एकदम से डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे मिक्स करना है, इस तरह ही हिलाते रहना है जिस तरह मैं हिला रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हम चलते हैं शीरे की तरफ। शीरा हमारा गया है, अब हम इसमें इलायची डालेंगे दो अदद। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। मीडियम को बिल्कुल हल्का कर दूंगी। देखिए डो हमारी तैयार है, अब
मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी। के ऊपर मैदा डालेंगे ताकि डो हमारी और थिक हो जाए। थोड़ा सा और डालेंगे। सो और डालेंगे और इसे इसी तरह हम मैश करते रहेंगे। डो हमारी तैयार है। अब हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। अगर आपको बड़े पसंद है गुलाब जामुन तो आप बड़े भी बना सकते हैं। जो छोटे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने छोटे बनाए। इसी तरह बना बना के साइड एक प्लेट में रख लेंगे। हमारे 8 गुलाब जामुन बने हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। बिल्कुल फ्री है। खीरे को हमने उतार दिया है। कढ़ाई रखी। अब हम इसमें डालेंगे घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके गुलाब जामुन। सारे गुलाब जामुन हमने डाल लिए हैं। मीडियम फ्लेम फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो रही है।
मैंने थोड़ी सी बनाई है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छे अच्छे से फैलाएंगे। जो हमने शीरा बनाया था, चलिए उसको एक बॉल में निकालते हैं। चलिए शीरे को हमने एक बॉल में निकाल लिया है। ये देखिए हमारी गुलाब जामुन भी रेडी हो रही है। देखिए हमारे गुलाब जामुन हो रहे हैं ब्राउन, हमारे गुलाब जामुन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे, जिस बॉल में हमने शीरा डाला था उसी बॉल में ये चले गए हमारे गुलाब जामुन शीरे में। डिप करें उनको, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक शीरे में रहने देना। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं।